हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल गेम छो कस्से काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना जो मनक्कम खम्मा गणि हुकुम केम दी अच्छन्ति की खबर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा बताने जा रहा हूँ आपको कन्या लग्न वालों के लिए जब जीवन में बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा आती है तो वो क्या फल मिलता है। बुध आपके कुंडली के कौन से भाव में बैठा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां एकादश और द्वादश, किस भाव में किस राशि में बैठा हुआ है, उसका क्या परिणाम होगा उसको जानेंगे। बुध इस कुंडली में जो है सो एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि इस कुंडली का मालिक स्वयं कन्या राशि और मिथुन राशि का मालिक बुध ही है, तो योग कारक ग्रह है जिसके कारण से बुध का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या क्या रिजल्ट मिलेगा उसको श्रवण करते हैं, लेकिन रिजल्ट के कुछ मापने के तरीके हैं। जैसे कि अगर आपके कुंडली में बुध 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% रिजल्ट मिलेगा, 6 से 12 डिग्री पर है तो 50, और 12 से 18 डिग्री पर में है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और 18 से अगर आपके लिए 24 डिग्री पर में है तो 30 से 40 और 24 से 30 है तो 10 से 15% रिजल्ट आपको मिलेगा, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। देवी और सज्जनों, बुध इस कुंडली में एक ही जगह पर में, एक जगह नहीं, बुध इस कुंडली में 4 जगह पर में बुरा परिणाम देगा। जैसे कि कुंडली के छठे भाव में बुध का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, कुंडली के सातवें भाव में अच्छा नहीं होगा क्योंकि नीच का है, कुंडली के आठवें भाव में अच्छा नहीं होगा बुध का रिजल्ट, और कुंडली के 12वें भाव में बुध का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। बाकी हर जगह पर में बुध का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। क्या क्या अच्छा आएगा, क्या क्या बुरा आएगा, आइए उसको अब श्रवण करते हैं। बुध अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है, कुंडली के प्रथम भाव में, तो आपकी बुद्धि को बहुत तेज कर देगा, आप बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे बुध के समय में, बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में आप बहुत विनम्र हो जाएंगे, धैर्यशील हो जाएंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय खूब बढ़िया चलेगा, आमदनी खूब होंगे। बुध अगर कुंडली के दूसरे भाव में है तो पैसा खूब जमा होगा, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से भी फायदा होगा, बैंक बैलेंस बहुत कर पाएंगे, वाणी बहुत मीठी हो जाएगी। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है तो आपको विदेश जाने का योग, अचानक से धन लाभ वगैरह का योग भी बनेगा, रिसर्च वगैरह करने का योग भी बनेगा। बुध अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है देवी और सज्जनों, तो आप बुध के समय बहुत पराक्रमी हो जाएंगे, धैर्यवान हो जाएंगे, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी होगी, अगर होती है तो वो दूर होगी। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य भरोसे सारा काम होने लगेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे और ससुराल से भी अच्छा खासा लाभ का योग बनेगा। बुध अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में है तो सुख में खूब वृद्धि होगी, माता से खूब लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति का योग जो है सो आपके लिए बनेगा, इन सब का आपको फायदा होगा। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में काम धंधा खूब बढ़िया चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी बहुत वृद्धि के योग जो हैं सो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम दृष्टि जो यहाँ पर पड़ी, सरकारी नौकरी का भी योग आपके लिए इस समय में अगर होना हो तो सरकारी नौकरी का भी योग लगेगा। कुंडली के अगर पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार देवी और सज्जनों, बहुत बुद्धिमान, पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, लव अफेयर वगैरह चलेगा, प्रेम संबंध अच्छा चलेंगे, अचानक से धन लाभ वगैरह मिलेगा, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी में खूब वृद्धि का योग बनेगा, लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, सीनियर्स का खूब सपोर्ट मिलेगा। बुध अगर कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में है तो क्या होगा, तो ये आपको
बुध जो है सो आपको रोग देगा, ऋण देगा, शत्रु देगा, दुश्मनों से परेशानी करवाएगा, पेट से संबंधित समस्या, आपे अस्कलंक, शोक, दुख, ये सब देने का प्रयास करेगा। यहाँ से सप्तम बारहवें भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित समस्या। बुध अगर कुंडली के सप्तम भाव में है तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, विवाह में विलंब का योग, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी समस्याओं का योग। सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में तो मानसिक तौर पर में भी बेचैनी, परेशानी, विनम्रता में कमी के योग। और बुध अगर कुंडली के अष्टम भाव में है देवी और सज्जनों तो दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु, तुल्य कष्ट की स्थिति। और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में तो पैसा, जमा पूंजी का खत्म होना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति। बुध अगर कुंडली के नवम भाव में है देवी और सज्जनों तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थयात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, ससुराल से खूब फायदा होगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु अगर है तो उसका नाश, और साहस में वृद्धि। बुध छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ। बुध अगर कुंडली के दशम भाव में है तो पिता से लाभ, पिता की संपत्ति से लाभ, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि, सरकार से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला जल संपत्ति की प्राप्ति का योग। बुध अगर कुंडली के एकादश भाव में है तो लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट, संतान का सुख, पुत्री प्राप्ति का योग, अचानक से धन लाभ का योग, प्रेम संबंध के मामले में भी अच्छा समय। बुध अगर कुंडली के द्वादश भाव में है तो धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्या, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव के योग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोग, ऋण, शत्रु, दुश्मन, केस मुकदमा के द्वारा परेशानी का भी योग। तो ये जो है सो बुध का फल है जिसमें चार भाव, बारह में से चार भाव को अगर छोड़ दिया जाए, छः, सात, आठ और बारह, तो हर भाव में जो है बुध अच्छा फल दे रहा है। अगर आपके कुंडली में बुध छठे भाव, आठवें भाव, बारहवें भाव और सातवें भाव में हो तो आप भूल से भी पन्ना रत्न धारण ना करें, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा ये। इसके अलावा आपके कुंडली में कहीं भी बुध बैठा हुआ है, शौक से आप दशरथी का पन्ना धारण करें, चांदी में करें, आपको बहुत लाभ, बहुत फायदा होगा। बुध अगर अस्त अवस्था में है आपके कुंडली में तो आप दैनिक तौर पर में नमो बुंग बुधाय नमः और नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, आपको दिन दोगुना, रात चौगुना वृद्धि होगी। फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, मुझसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि और डिटेल और बृहद जानकारी मिले, तो आपको सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।